धार जिले की पीतमपुर पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले पत्रकारों के एक फर्जी गैंग को पकड़ा है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में यहां चर्चा थी कि कुछ बाहर के लोग आकर क्षेत्र में कई जगह व्यापारियों के पास पहुंचकर अपने आप को पत्रकार बताकर उनसे अवैध तरीके से वसूली कर रहे थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। नगर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय पत्रकारों द्वारा शिकायत की गई कि कुछ फर्जी पत्रकारों के शहर में अलग अलग स्थानों पर जाकर दबाव बनाकर पैसों की मांग कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें थाना सेक्टर 1 से व्यापारी से बातचीत व लेन देन की बात करते पकड़ा, जिन्हें थाने पर लाकर पूछताछ की गई। इसमें इन 7 फर्जी पत्रकारों में से सिर्फ 1 महिला पत्रकार के पास से आईडी मिली और उसके पास भी फर्जी होने का शक है। ऐसे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जाँच की जा रही है। कल मेरे कार्यालय में पीथमपुर प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी एक लिखित ज्ञापन दिए थे कि पीथमपुर में कुछ फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को अपने आर्थिक लाभ के लिए वो कर रहे हैं, जिन्हें तुरंत कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी सेक्टर 1 श्री लोकेश भदौरिया और उनकी टीम को इस संबंध में लगाया गया। तो करीब 8 बजे ये पुष्पा यादव नाम की एक फर्जी पत्रकार और उसके साथ में अमित, कपिल, कमल, पवन, गरिमा और नितिन ये एक एक्सयूवी गाड़ी में और यहाँ के व्यापारियों से मोल भाव कर रहे थे। मौके में रेड किया गया तो वो व्यापारी भी मिले। व्यापारी ने वहाँ पर एडमिट किया कि ये मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। प्रकरण 384 का पाए जाने से तत्काल सभी को राउंड अप करके थाने लाया गया और 5 प्रकरण 384 के पंजीबद्ध किए गए हैं और जिनके साथ इन्होंने थ्रेट किया था वो भी यहाँ पर आके FIR करवाए और कई लोग शिकायत कर रहे हैं। इस प्रकार कल रात में 7 फर्जी पत्रकारों को मैं एक्सयूवी गाड़ी के गिरफ्तार किया गया है और एक इसमें कमल नाम का आरोपी है, वो खजराना का रहने वाला है, जो 376 का आरोपी है। सर, बताया जा रहा है कि बड़े बड़े न्यूज चैनलों के नाम से वसूली करते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक नाम से पुष्पा यादव ने आईडी बना के और लोगों को गुमराह करके वहाँ पैसा अटने का काम किया है। इसके विरुद्ध इंदौर में कई थानों में प्रकरण पंजीबद्ध होने की सूचना है, जिसकी जानकारी ली जा रही है।